পশ্চিমবঙ্গে কোনো উন্নয়নই হয়নি, কৃষক খেতমজুর দুঃখিত, বাংলায় বেকার সমস্যা বাংলায় বেড়েই চলেছে। এই সমস্ত কিছু সমস্যার সমাধান করবে বিজেপি। যা গত 50 বছরে বাংলায় হয়নি তা আগামী 5 বছরেই করে দেখাবে বিজেপি। বাংলায় বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী শপথ নেবে আগামী 4ই মে, এমন বক্তব্য উঠে এলো পুরুলিয়ার কোটশিলা জিউদারু ময়দানে বিজেপির সভামঞ্চ থেকে। নীতিন গডকরি, অর্জুন মুন্ডা, নরোত্তম মিশ্র, বিদ্যাসাগর চক্রবর্তী সহ এক ঝাঁক বিজেপি নেতৃত্ব এদিনের সভায় ছিলেন উপস্থিত। জঙ্গলমহল 24x7, রাত দিন 7 দিন। बंगाल में जो चुनाव होने वाला है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी, सीपीएम, इनके भविष्य का फैसला करने वाला ये चुनाव नहीं है। ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी, इनके भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है। यह चुनाव राहुल गांधी के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है। यह ममता जी के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है। यह चुनाव अगर है तो बंगाल की करोड़ों जनता के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव है। हिंदुस्तान को दुनिया के नंबर एक की महाशक्ति बनाना चाहते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी का सपना है, यही नरेंद्र मोदी जी का सपना है और यही हम बैठे हुए सब कार्यकर्ताओं का सपना है। पिछले 5 साल हमारे दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का शासन, आप अनुभव करिए 5 साल में जो 50 साल में इस देश में नहीं हो सका, वो 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इस देश में करके दिखाया। बहनों और भाइयों, 35 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री जनधन योजना में बैंकों में अकाउंट खोले गए। भ्रष्टाचार से मुक्ति देनी नहीं चाहिए, देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? क्या बंगाल के जवान युवाओं के हाथों को काम नहीं मिलना चाहिए? क्या बंगाल में गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, गांवों का विकास नहीं हुआ है और बंगाल की जनता भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार के साये के नीचे जी रही है? बहनों और भाइयों, हम बंगाल की तस्वीर को बदलना चाहते हैं, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना चाहते हैं। हम देश में गरीबी को दूर करके हमारे हिंदुस्तान को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। सरकार थी तो 3 करोड़ लोगों के केवल अकाउंट थे और आज जनधन योजना में 38 करोड़ लोगों को बैंक अकाउंट खुल गए, गरीब लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे जमा होते, ये चमत्कार हमारी सरकार ने करके दिखाया। बहनों और भाइयों, 9 करोड़ गरीब लोगों को जहां घरों में चूल्हा जलता था, कोयला, लकड़ी जलती थी, मां बहनों के आंखों को कैटरेक्ट हो जाता था, हमारी सरकार ने 9 करोड़ गरीब परिवारों को गैस की सेगड़ी और सिलेंडर दे दिया और आज उस घर से धुएं को गायब कर दिया। ये काम हमारे सरकार ने करके दिखाया। बड़ा ब्रिज बनाया, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, मुंबई में 55 उड्डान पुल बनाया और मुंबई और पुणे के बीच में द्रुतगति महामार्ग बनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब मुझे दिल्ली बुलाया, उस समय मेरी उम्र 34 साल की थी और वाजपेयी जी ने मुझे कहा कि हिंदुस्तान के हर गांव की जनता बहुत दुखी है, गांव के बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, गांव में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो डॉक्टर बरसात के दिनों में गांव नहीं पहुंच पाता है,
गांव के किसान का दूध, फल फूल सब्जियां रास्ता न होने के कारण शहर में वो बेचने के लिए नहीं ले जा सकता है। नितिन ऐसी योजना तैयार करो कि हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांवों को मजबूत रोड से बनाया जाए। वाजपेयी जी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी, 3 महीने में मैंने योजना तैयार की और बहनों और भाइयों उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांवों में से 1,80,000 गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम अगर किसी ने हिंदुस्तान के इतिहास में किया है तो उस नेता का नाम अटल बिहारी वाजपेयी है, यह मैं अभिमान के साथ कह सकता हूं। मैं महाराष्ट्र में हूं, महाराष्ट्र से आया हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उस समय मैं महाराष्ट्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको यही सिखाया है कि हम 2-4 रहे न रहे पर तेरा वैभव अमर रहे मां। ये देश आगे जाए, ये देश की तरक्की हो, ये देश के गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो, यही हमारा विचार है, यही हमारी प्रेरणा है और यही हमारा उद्देश्य है। बहनों और भाइयों, ये भाजपा वाले बाहर के, ममता जी हम बाहर के कैसे हैं? हम जिस जनसंघ की विचारधारा को लेकर हमने कार्य का शुभारंभ किया था, जिस विचार के आधार पर भारतीय जनता पार्टी बनी, वो हमारे प्रेरणा स्त्रोत्र डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस बंगाल की भूमि में पैदा हुए थे, तो हम बाहर के कैसे? हम चुनाव को देखते हुए हम जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स की बात करके आपके होठों को बटोरना नहीं चाहते। अलग भाषा अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश। कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। बंगाल की संस्कृति, बंगाल का इतिहास, बंगाल की जो भी कोई संस्कृति कलाएं है वो बंगाल की तो है ही, पर वो हमारे देश की भी है। बहनों और भाइयों, हम देश को तोड़ना नहीं चाहते और जिसके कारण इस जिले के लोगों को रोजगार मिलेगा। पुरुलिया से चांडिल तक 709 करोड़ रुपए की लागत से 74 किलोमीटर के मार्ग निर्माण करने का हमने निर्णय किया है। काम को अवार्ड कर दिया है, काम शुरू हो जाएगा और जून 2022 तक ये काम पूरा हो जाएगा, ये वचन मैं आपको देता हूं। यह मार्ग बनने से झारखंड के रायगंज, धनबाद, बोकारो से होकर पुरुलिया होते हुए चांडिल तक जाएगा। इस मार्ग में पुरुलिया शहर के पास चासमोड़, कांटीडीह एवं श्यामनगर में आरओबी का निर्माण कराया जाएगा, जिससे रेलवे फाटक पर इन तीनों जगह पर लगने वाला 1.5 घंटे का समय बच जाएगा। इसी मार्ग को बनने से औद्योगिक क्षेत्र को पुरुलिया जैसे पिछड़े क्षेत्र से सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इतना ही नहीं तो पुरुलिया बाईपास को भी हमने मंजूर कर दिया है। मेरे विभाग की ओर से 217 करोड़ रुपए की लागत से 10 किलोमीटर लंबे 4 लेन पुरुलिया बाईपास को इस अप्रैल 2021 तक मैं अवार्ड कर दूंगा और काम की शुरुआत कर दूंगा, यह वचन आपको देता हूं। तो बंगाल को नहीं बदलना है और बंगाल को बदलना होगा चाहिए, अगर आपको लगता है तो परिवर्तन करना जनता का लोकतांत्रिक अधिकार है। अनेक सालों तक आपने लाल झंडे वालों को अपनाया, सीपीएम की सरकार को आपने देखा। अनेक सालों तक आपने कांग्रेस को मौका दिया था,
और 10 साल से भी ज्यादा समय आपने ममता जी को दिया है, पर बंगाल सुधर नहीं पाया। युवाओं को रोजगार नहीं है, किसानों को उनके फसल के सही दाम नहीं मिल रहे हैं, गांव गरीब मजदूर किसान दुखी है, गांव में स्वास्थ्य की सुविधाएं पर्याप्त नहीं है, अच्छे रोड नहीं है और बंगाल के जवान लोगों के हाथों को काम नहीं है। बहनों और भाइयों, हम बंगाल को बदलना चाहते हैं। मैं खुद मेरे विभाग से 1,00,000 करोड़ से ज्यादा काम रोड के बंगाल में कर रहा हूं, पर बंगाल की सरकार अगर लैंड एक्विजिशन नहीं करेगी तो मैं काम कैसे कर सकता हूं। तृणमूल कांग्रेस के एमपी मेरे पास आते हैं कि ये काम कर दो, मैं बताता हूं पैसा भी है, काम भी कर देता हूं, पर अगर लैंड एक्विजिशन नहीं होगा, सरकार नहीं करेगी तो मैं रोड कहां से बनाऊं। बहनों और भाइयों, मुझे खुशी हुई है कि बांकुरा से पुरुलिया तक 341 किलोमीटर की लागत से 84 किलोमीटर का मार्ग हमारे राष्ट्रीय महामार्ग की ओर से हमने बनाकर पूरा किया है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल दुर्गापुर तथा झारखंड के लिए इसके लिए कनेक्टिविटी बेहतर होगी। कम विकसित पुरुलिया जिला इन सब कामों के लिए बार बार मेरे यहां चक्कर काट रहे थे और उन्हीं के आग्रह के कारण ये काम को हमने मंजूर कर दिया है और जिसके कारण पुरुलिया शहर का ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा। पुरुलिया शहर को पार करने में पहले जो घंटे से ज्यादा 2 घंटे का समय लगता था, अब वो केवल घट जाएगा और लोगों को बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। इस बाईपास से जाने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी, दुर्घटनाएं कम होगी और पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच में ट्रैफिक में शुरुआत होगी। इसके अलावा लंबे 4 लेन इस्लामपुर बाईपास का भी हम निर्माण करने जा रहे हैं और ये भी काम मैं जल्दी अवार्ड कर दूंगा, दुर्घटनाएं भी कम होगी। बहनों और भाइयों, मैं खादी ग्रामोद्योग और एमएसएमई का मंत्री हूं, मालडा मुशीरबाद बीरुवम और करीब 3,205 चरखा पैडल सिल्क चरखे हमने दिए, करीब 1030 लूम दिए और रेडीमेड गारमेंट की मशीन 390 दी है और बहनों और भाइयों 5,300 लोगों को रोजगार केवल यहां दिया है। मैं पुरुलिया जिले में भी यहां के महिलाओं को, यहां के युवाओं को रोजगार देने के लिए तैयार हूं, पर हमारी योजना का फायदा लेने वाली सरकार को चाहिए। हमने अभी गोबर से पेंट बनाया है, 5 रुपए किलो गोबर का भाव मिलेगा और ये पेंट मार्केट में जो भी कंपनी का पेंट है उससे ये इनामल पेंट और डिस्टेंपल कई गुना अच्छा है और इसकी कीमत आधी है। 5 रुपए किलो के भाव से गोबर अगर खरीदी किया जाएगा तो किसान जिसके यहां जानवर है वो 10,000 से 15,000 रुपए महीना अगर गोबर बेच के अगर कमाएगा तो किसान की गरीबी दूर नहीं होगी। हम देश की तस्वीर को बदलना चाहते हैं, जहां पंथ धर्म भाषा से ऊपर उठकर गरीब गरीब होता है, गरीब को जात पंथ धर्म भाषा नहीं होती। अभी नरोत्तम जी ने आपको बताया कि मैं मंत्री बना तब तुम्हारे बंगाल में हर गांव में आदमी को आदमी खींचने वाली साइकिल रिक्शा चल रही थी। आपका समर्थन चाहिए और आप में इतनी ताकत है, मेरा विश्वास है चुनाव के दिन सुबह उठिए, आपका जो भी भगवान हो उसका दर्शन करिए। बहनों और भाइयों, आपके आशीर्वाद से दिल्ली को तो इंजन मिला है, मोदी जी के नेतृत्व में हमारी राजधानी सुपर फास्ट दौड़ रही है। मैं आपको यही कहने के लिए आया हूं कि बंगाल का भी डबल इंजन बीजेपी की सरकार को जोड़ दो जो 50 साल में नहीं हुआ, जो 50 साल में नहीं हुआ
वो बीजेपी के शासन में 5 साल में बंगाल में हम करके दिखाएंगे, ये वचन देने के लिए मैं आपके पास आया। बंगाल की तस्वीर बदल जाएगी, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा, महिला पुरुषों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और सुखी समृद्ध संपन्न बंगाल हिंदुस्तान के प्रगतिशील और समृद्ध राज्यों में निर्माण होगा। इसी बात के लिए आपका आशीर्वाद मांगने के लिए मैं आया हूं। आपका आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए और बंगाल की तस्वीर को बदलने का काम करिए। तक बदल दो, ताज बदल दो, भ्रष्टाचारियों का राज बदल दो। ना रहेगा गरीबी, ना रहेगी भूखमरी, ना रहेगा भ्रष्टाचार, ना रहेगा आतंक। गरीबों की सरकार होगी, गरीबों का आवाज सुनने वाली सरकार होगा। और इसी बात के लिए आप आशीर्वाद दीजिए, ये ऐसा करंट लगेगा कि ममता जी अपने कुर्सी से 2 फुट ऊपर उठ जाएगी। बस ये करंट लगा दो।